हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न एवरीवन। मैं आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बिजनेस फ्रेजल वर्ब्स। तो अगर आप MBA स्टूडेंट हैं या MNC में जॉब करते हैं या फिर बिजनेस पर्सन है या नॉर्मली भी अपनी वोकेबलरी को एनहेंस करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है ब्रांच आउट। ब्रांच आउट का मतलब होता है शाखा विस्तार करना। द इलेक्ट्रिक कार कंपनी इज़ ब्रांचिंग आउट इन टू द मोटरसाइकिल इंडस्ट्री। इलेक्ट्रिक कार कंपनी मोटरसाइकिल उद्योग में प्रवेश कर रही है। नेक्स्ट है ब्रेक इन टू। ब्रेक इन टू का मतलब होता है नए बाज़ार में फोर्सफुली प्रवेश करना, यानी जबरदस्ती उसमें एंटर कर जाना। इट इज़ टफ टू ब्रेक इन टू द ब्यूटी इंडस्ट्री राइट नाउ। सौंदर्य उद्योग में प्रवेश करना अभी कठिन है। ब्रेक इनटू का मतलब नए इंडस्ट्री में प्रवेश करना। डील विद। डील विद का मतलब होता है निपटना या हैंडल करना। अवर न्यू डिपार्टमेंट हेड विल डील विद द ट्रेनिंग ऑफ न्यू स्टाफ मेंबर्स। हमारे नए विभाग के प्रमुख नए स्टाफ सदस्यों के प्रशिक्षण से निपटेंगे, यानी उसे हैंडल करेंगे। तो डील विद का मतलब होता है किसी सिचुएशन या किसी काम को हैंडल करना, यानी उससे निपटना। अगला फ्रेजल वर्ब है टेक ओवर। टेक ओवर का मतलब होता है पदभार संभालना, यानी किसी पोस्ट पर आप अपॉइंट हुए उस पर रहकर आपको काम करना। तो इसका सेंटेंस देख लेते हैं हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं इसे। ही विल टेक ओवर द सेल्स डिपार्टमेंट एंड बिकम इट्स न्यू मैनेजर। वह बिक्री विभाग संभालेगा और इसका नया प्रबंधक बनेगा। तो टेक ओवर का मतलब पदभार संभालना, यानी किसी पोस्ट पर रहकर काम करना। लुक इन टू। लुक इन टू का मतलब होता है जांच पड़ताल करना। वी आर नाउ लुकिंग इन टू न्यू सॉफ्टवेयर टू यूज़ इन आवर ट्रेनिंग। अब हम अपने प्रशिक्षण में उपयोग करने के लिए नए सॉफ्टवेयर की जांच पड़ताल कर रहे हैं, मतलब कि उसको हम टेस्ट कर रहे हैं। लुक इन टू का मतलब जाँच पड़ताल करना। क्लोज डाउन। क्लोज डाउन का मतलब होता है बंद करना। द फर्म हैज़ डिसाइडेड टू क्लोज डाउन इट्स शिकागो ब्रांच। फर्म ने अपनी शिकागो शाखा को बंद करने का फैसला किया है। क्लोज डाउन का मतलब बंद करना। नेक्स्ट है हमारा फ्रेजल वर्ब स्टेप डाउन। स्टेप डाउन का मतलब होता है पद त्याग करना, मतलब रिजाइन करना। द चेयरमैन वॉज फोर्स्ड टू स्टेप डाउन ड्यू टू इल हेल्थ। बीमार होने की वजह से अध्यक्ष को पद छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो स्टेप डाउन का मतलब होता है रिजाइन करना, यानी पद त्याग करना। कट डाउन। कट डाउन का मतलब होता है कटौती करना। वी विल बी कटिंग डाउन द इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय इंस्टॉलिंग सोलर पैनल्स। हम सोलर पैनल लगाकर बिजली बिल में कटौती करेंगे। तो कट डाउन का मतलब कटौती करना। नेक्स्ट है हमारी लिस्ट का फ्रेजल वर्ब कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब होता है स्थगित करना, यानी पोस्टपोन करना। द डिपार्टमेंट मीटिंग इज कॉल्ड ऑफ दिस वीक सो प्लीज़ यूज़ योर टाइम वाइजली। इस सप्ताह विभाग की बैठक स्थगित हो गई है, इसलिए कृपया अपने समय का बुद्धिमानी से उपयोग करें। कॉल ऑफ का मतलब पोस्टपोन होना या पोस्टपोन करना, यानी कि स्थगित करना। नेक्स्ट है हमारा फ्रेजल वर्ब सेट अप। सेट अप का मतलब होता है स्थापित करना, यानी इस्टेब्लिश करना। द ग्रुप इज़ प्लानिंग टू सेट अप एन इम्पोर्ट बिजनेस। समूह आयात कारोबार स्थापित करने की योजना बना रहा है। सेट अप का मतलब इस्टेब्लिश करना, यानी स्थापित करना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है ले ऑफ। ले ऑफ का मतलब होता है छटनी करना, लेकिन ये छटनी बैड परफॉर्मेंस की वजह से नहीं होती है, बल्कि जब हमारे पास काम नहीं होता है तो हम जो छटनी करते हैं उसको बोलते हैं ले ऑफ। वी हैव नो प्लान्स इन द इमीडिएट फ्यूचर टू ले ऑफ वर्कर्स। श्रमिकों की छटनी करने के लिए हमारे पास तत्काल भविष्य में कोई योजना नहीं है। ले ऑफ का मतलब छटनी करना। गो अंडर। गो अंडर का मतलब होता है दिवालिया हो जाना, यानी बैंकक्रप्ट हो जाना। इफ़ द बिजनेस डज नॉट इम्प्रूव देन द कंपनी विल गो अंडर। चिप इन। चिप इन का मतलब होता है योगदान देना। इफ एवरी वन चिप्स इन वी विल बी एबल टू फिनिश द जॉब बाय लंच टाइम। अगर हर कोई योगदान देता है तो हम दोपहर के भोजन के समय तक काम पूरा